1985. मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। उसमें आज हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3D को, जिसमें हम बात करेंगे कि बॉड मास किस तरह अप्लाई होता है फ्रैक्शंस के ऊपर। तो आए चल के इसको देखें। बॉड मास पहले हम चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है कि वी आर अब्रीविएटिंग इट फॉर ब्रैकेट ओपन डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। इससे क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दो या उससे ज्यादा ऑपरेशन यानी मल्टीप्लीकेशन भी दी हुई है, एडिशन भी दी हुई है, या उससे भी ज्यादा डिविजन सब्ट्रैक्शन भी दी हुई है, तो आपको ये बताते हैं कि आपने पहले क्या करना है फिर क्या करना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में 3-4 चीजें हैं, आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ब्रैकेट्स में कोई चीज है। अगर है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे कि क्या डिवीजन का कोई सम है। अगर डिवीजन है तो फर्स्ट यू विल डू डिवीजन। इसी तरह हर चीज ऑर्डर में आएगी। ये सारे मैथमेटिकल सम्स के लिए ट्रू होता है, इसलिए फ्रैक्शंस में भी अप्लाई होता है। इसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज 3D को स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए। तो अगर हम सबसे पहले अपना फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन देखें, उसमें पार्ट ए है 1/5 + 3/5 - 4/5। अब देखना जरूरी ये है कि यहाँ पर कौन से दो ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू बॉड मास एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में है। तो पहले मैं ऐड करूंगी, डिनोमिनेटर सेम है, मैं इजीली फ्रैक्शंस को ऐड कर सकती हूँ। 1 + 3 = 4/5, तो ये दोनों मिलकर बन गए 4/5 - 4/5। अब 4/5 में से अगर मैं 4/5 माइनस कर दूंगी तो जवाब क्या आएगा? 0। एंड इन दिस वे मेरे पहले ब्लैंक का आंसर इजिली 0 आ गया। लेट्स गो लुक एट द सेकंड ब्लैंक नाउ। सेकंड ब्लैंक हमारा है 3/4 × 12/15 / 24/15। अब इसमें सबसे पहली चीज मैं ये करूंगी कि क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों दी गई हैं और पहले डिवीजन होती है, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज दिस इनटू मल्टीप्लीकेशन। रेसिप्रोकल लूंगी, 24/15 को इन्वर्ट कर दूंगी और 15/24 बना दूंगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, 15 से कैंसिल हो जाएगा और 12 और 24 भी आपस में दोनों 12 से डिवाइड होंगे। यहाँ पर 12/12 = 1, यहाँ पे 24/12 = 2 आ जाएगा। तो मेरे पास इस पूरे सम में सिर्फ क्या बच गया है? 1/2। तो अब मैंने करना है 3/4 × 1/2 = 3 × 1 क्या होते हैं? 3 एंड 4 × 2 = 8, सो माय आंसर इज 3/8। तो सेकंड ब्लैंक में इस तरह से आप 3/8 को फिल इन कर देंगे। थर्ड पार्ट अगर अब हम देखें, 3 whole 1/10 + 9 whole 2/10 / 9/10। लुकिंग एट दिस व्हाट वी कैन डू इज, एडिशन के लिए हमें पता है कि हम दोनों होल नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। 3 + 9 = 12 और साथ 1 + 2 = 3, तो 12 whole 3/10 / 9/10 है, तो हम इसको इन्वर्ट करके multiply by 10/9 कर देते हैं। अब काम ये करेंगे हम कि we will multiply this like this, we can cancel these out, पीछे रह गया 12 whole 3/9। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा? दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ एंड आई विल गेट 12 whole 1/3, and that students is going to be your answer. अगला हमारा question है 4/5 / 9/5 / 18/7 / 1/14। सबसे पहले bracket को solve करेंगे, division की जगह multiply और इनको invert कर दें, 9/5 को बना दें 5/9। अब जब हम इनको multiply करने लगेंगे तो हम इनको cancel out कर सकते हैं and we have 4/9 मल्टीप्लाई बाय, अब इस वाले डिवीजन को हमें पहले सॉल्व करना है क्योंकि मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे। फॉर दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू, इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 14/1। अब होगा ये कि 14 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड विल हैव अ 2 हियर। अब हमारे पास आ गया है 18 × 2 = 36 और नीचे 1 × 1 दैट इज नथिंग, 4/9 × 36। So when we have that, हमने अब क्या करना होगा? अब हम 36 और 9 को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को 9 से डिवाइड करके। Once we do that, यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया, यहाँ पे 1 आ गया,
4 into 4 is 36. So your answer for the fourth blank is 36. Moving on, E equals 5 over 6 plus 3 over 6 minus 1 over 6 minus 7 by 9 into 3 by 14. अब इसमें हमने करना ये है कि पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं. फॉर दैट ब्रैकेट में भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड 5 plus 3 over 6 8 by 6 minus 1 by 6 is 7 over 6. अगली चीज जो हमने करनी है वो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना. 7 into 3 is 21, 14 into 9 is, so we're going to do this, 7 into 3, 21 over, what are we going to do, 14 into 9, जो के बनता है 126. Now that we have this, अब हमने करना है इनको आपस में cross, multiply and divide. And for that reason, सबसे पहले हम देखेंगे कि is 126 cancelable from 7. So when we check कि 7 जो है वो 126 के साथ cancel out होता है या नहीं, we discover that yes, वो होता है. And we get an 18 over here. Now what do we have left? We have 1 by 6 into 21 by 18. So 1 into 21 से आपके पास आ गया 21. And 6 into 18 is 108, and this right here will be your answer for the fifth blank. आगे चलते हैं, question number 2 देखते हैं. True or false? So you have to determine whether a statement is true or false. पहली statement है, BODMAS is used to solve more than two operations. ये बिल्कुल दुरुस्त है. अगर एक statement में, एक sum में दो से ज्यादा operations हो, फिर हम BODMAS इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि पहले कौन सा operation आएगा और बाद में कौन सा. दूसरा ब्लैंक है, 1 over 4 into 2 by 8 divided by 3 by 4 equals 12. अब हमें करना क्या है, BODMAS के हिसाब से सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर 12 आता है. फॉर दैट जो डिवाइडेड बाय 3 बाय 4 है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3 कर देते हैं. अब हम जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, 2 into 4 is 8. इन फैक्ट वी कैन फर्स्ट कैंसिल आउट, दोनों को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 by 2 into 1 over 3 रह गया. 2 by 2 is 1 and then we have only 1 over 3 left. 1 over 3 into 1 by 4 क्या होगा? It will basically be 1 by 12, not 12. तो ये हमारी false हो गई statement. Let's go look at the third statement. हमारी third statement है, 7 over 2 minus 5 over 2 into 1 over 2 equals 1 by 4. पहले क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में से, मल्टीप्लिकेशन. तो 5 ओवर 2 इनको 1 ओवर 2 जब हम करते हैं हमारे पास जवाब आता है 5 ओवर 4. और जब 7 ओवर 2 से हम उसको माइनस करने की कोशिश करते हैं तो हम पहले इसको 4 बनाते हैं. सो वी हैव 14 ओवर 4 इनटू 5 ओवर 4. सो व्हेन वी डू दैट, 14 बाय 14 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 9. And then you have 9 by 4. So, kya aapka answer 9 by 4 hai? No. So, we will make it false. D part hai, 3 by 5 plus 4 by 5 minus brackets 8 by 5 minus 2 by 5 equals 1 by 5. Pehle sabse brackets ko dekhein. Hum dekh rahe hain ki 8 by 5 mein se 2 by 5 ko humne minus karna hai. Piche reh gaya 6 by 5. So, bracket hamara open ho jata hai yahan and we get a 6 by 5. The next thing to do is add. So we will add first. 3 plus 4 is 7. 7 by 5. So hamare paas aa gaya hai 7 by 5 minus 6 by 5, which equals what? Which equals 1 by 5. So this is true. Last statement hai, 4 by 7 divided by 18 by 21 into 5 by 9. Pehle division ko dekhe. Divided है, multiply करें inverse के साथ, 18 by 21 हो जाएगा 21 by 18. इनको आपस में हम cancel कर सकते हैं 7 और 21 को? Yes, definitely. दोनों को 7 से divide करें, यहाँ 3 आ गया. अब आप 4 और 18 को, दोनों को जब आप 2 से divide करेंगे, so you will get 2 over 9. तो हमारा sum कुछ इस तरह बन जाता है, 2 into 3 is 6 over 9 into 5 over 9. So what is 6 into 5? It's 30 and 9 into 9 is 81. So it should be somewhere around 30 over 81 in simplified form. So ye jo hai bilkul bhi uske kareeb nahi. So hence this will be false. Time to look at our third question, jisme aapne correct answer ko circle karna hai.
तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी, उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में सर्कल कर लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, 1/3 × 1/4 / 1/8 डिवाइडेड बाय को पहले देखना है, वी कैन सिंपली इन्वर्ट इट, मल्टीप्लाइड बाय 8/1। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट। बिफोर मल्टीप्लाइंग हम देख सकते हैं कि दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, सो वी हैव अ 2 हियर, 2/1 हमारे पास आ गया, व्हिच इक्वल्स टू व्हाट, व्हिच इक्वल्स टू 2 अलोन। तो 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 2 × 1 is 2 / 3 × 1 = 3। सो योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 2/3। दूसरी वाले पार्ट को अगर हम देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने, 2/5 / 2/3 यहाँ पर हमने क्या करने, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब हमने करना है इसको सॉल्व, 2 × 3 is 6 / 5 × 2 is 10। इन फैक्ट वी कैन ऑल्सो कैंसिल आउट, विच विल लीव अस विद 3/5। तो 3/5 आ गया प्लस 3/10। अब हमें इस पूरे में जब ऐड करना होगा 3/5 को, तो हम क्या करेंगे, We will have to make the denominators the same. हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 10 बना देंगे। ये जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10, 3/10 + 6/10 is 9/10, and this will be your answer for the second part. तीसरा पार्ट है 7/9 - 2/9 / 8/15 + 1/15। पहले तो आप डिटरमिन करें ब्रैकेट्स के अंदर क्या सोल्यूशन आ रहा है। 7 - 2 क्या है, 5/9 डिवाइडेड बाय 8 + 1 = 9/15। इसको अब हमने इन्वर्ट करना है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इन्वर्ट कर देंगे, 15/9 बना देंगे। When we do this, what do we have next? Then we try to multiply this. 5 × 15 is 75/9. इसको हम देखेंगे कि 9 से किस तरह से divisible है। अब हमें पता है कि 9 8s are what 72. So we can write 8 whole. पीछे क्या बच गया, 75 - 72 is 3/9. 3/9 can be further simplified to 1/3. So our answer is 8 whole 1/3. और इसको आप circle कर लेंगे। तो अब अगर हम देखें part D को, 5/8 + 3/8 is 8/8 - 3/8 is 5/8. तो ये हमारे पास overall bracket का solution है 5/8. उसमें से हमने divide करना है इन दोनों numbers के product को। तो साथ ही हम इसको भी multiply कर लेते हैं। 15 × 3 is what? It is 45, but before we can do that, we can cancel these out. 3 और 6 को जब हम 3 से divide करते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं? 1 and 2. तो अब हमने 15 × 1 करना है and 2 × 4 करना है, so we get 15/8. So our sum becomes 5/8 / 15/8. And for this reason, अब हमने क्या करना है? हमने इसको स्वॉप कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 8/15 एंड देन 8 गेट्स कैंसल्ड विद 8, 5 एंड 15 दोनों 5 से डिवाइड होंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और हमारा जवाब हो जाएगा 1/3। और इसको आप अपनी ऑप्शंस में सर्कल कर लोगे। टाइम टू लुक एट आवर लास्ट क्वेश्चन, 5/21 × 1/2/5 + 5/9 / 1/2/3। सबसे पहले हमें कौन से पार्ट को देखना है, डिविजन वाले पार्ट को, और उसके लिए हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 × 1 is 3 + 2 = 5, so 5/3, एंड इसको हमने अब इन्वर्ट कर देना है इससे मल्टीप्लाई करने के लिए, सो वी विल मल्टीप्लाई 3/5 एंड दिस वी विल इरेज। 5 × 3 is 15, but instead of doing that, can we cancel these 5s out? Yes, we can. क्या हम 3 और 9 को cancel कर सकते हैं? जी हाँ, दोनों को 3 से divide करेंगे, 1/3. तो ये जो दोनों हमारे पास fractions थे, they became 1/3. अब हमें इस part को multiply करना होगा. For that reason, इसको भी हमने क्या करना है? We have to convert it into improper fraction.
5 into 1 is 5 plus 2 7 so this becomes 7 by 5 इनको जब हम मल्टीप्लाई करें 7 into 5 is 35 इनको फिर अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 को 5 के साथ 7 को 21 के साथ 7 और 21 दोनों 7 से डिवाइड होंगे we will have a 3 here so what do we have now we have 1 by 3 here and 1 by 3 here so when you add 1 by 3 plus 1 by 3 denominator same hai to aap upar wale sirf numerator ko add karenge jawab aa jayega 2 by 3 and that students is going to be your correct option this is it for our first three questions aaye chal ke hamara fourth question exercise 3d ka dekhen अब आपकी एक्सरसाइज 3D का हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे जिसके हम दो पार्ट्स मिलके करेंगे और बाकी आप अपने होमवर्क में करेंगे करना हमने इसमें यह है कि हम बॉर्ड मैथ को अप्लाई करेंगे और देखते जाएंगे कि पहले हमने कौन सी चीज को सॉल्व करना है सो इफ यू लुक एट पार्ट ए सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं तो ब्रैकेट्स में देखें क्या क्या है डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन डिविजन को सबसे पहले देखा जाएगा क्यों क्योंकि बॉर्ड मैथ में वो पहले आता है तो वी हैव टू कॉपी एवरीथिंग एल्स एज इट इज 2 by 5 plus 3 by 5 minus अब आप इसको divide करेंगे 5 by 9 को हम in fact देखते हैं 5 by 9 into 9 by 25 क्योंकि हम inverse ले लेते हैं while division अब हम देखेंगे can we cancel these out जी हाँ 9 और 9 आपस में cancel हुए दोनों 9 से divide होके बिल्कुल हुए 5 और 25 दोनों 5 से divide हुए जी हाँ यहाँ पे 5 आ गया यहाँ पे 1 तो आपके पास क्या रह गया 1 by 5 तो आपका ये जो सम है ये बन गया है 2 by 5 plus 3 by 5 minus 1 by 5 3 में से 1 को माइनस किया 2 by 5 रह गया तो आपके पास है 2 by 5 plus इन दोनों को माइनस करके 2 by 5 and your answer should be 4 by 5 इस तरह से हमने पार्ट ए को क्या किया सॉल्व कर लिया है गोइंग स्टेप बाय स्टेप पहले हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया है डिवाइड किया है इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है एंड इवेंचुअली एंड पे ऐड कर दिया है क्योंकि ब्रैकेट्स खोलने के बाद हम ऐड कर रहे हैं और आपका जवाब आ गया है 4 by 5 अब हम देख सकते हैं हमने लास्ट पार्ट को दैट इज पार्ट ई तो यहाँ पे आपने पहले ब्रैकेट को ओपन करना है ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है पहले क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 11 11 माइनस 6 जो यहाँ लिखा है दैट विल मेक इट 5 तो आपका जो आंसर है वो आएगा 5 ओवर 17 डिनोमिनेटर एज इट इज फिर आप उसमें से डिवाइड करेंगे अब अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे अगला ब्रैकेट अगर हम देखें क्या 7 7 से कैंसिल हो सकता है यस डेफिनेटली तो पीछे क्या रह जाते हैं पीछे हमारे पास रह जाते हैं 15 बाय 9 अब इनको डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है हमने इनका रेसिप्रोकल लेना है यानी इन्वर्ट करना है सो 5 बाय 17 इनटू 9 बाय 15 व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम 5 डिवाइड बाय 5 इज 1 15 डिवाइड बाय 5 इज 3 अब हमारे पास है 1 इनटू 9 तो अब अगर हम देखें 9 ओवर 3 क्या होता है 9 डिवाइड बाय 3 इज 3 इटसेल्फ और नीचे आपके पास फिर रह गया 17 इनटू 1 दैट मेक्स इट 17 सो योर आंसर बिकम्स 3 बाय 17 एंड इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3D कम्स टू एन एंड नाउ स्टूडेंट्स आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस को कवर कर लेंगे सो सी यू इन दैट लेक्चर देन अल्लाह हाफिज़